सुख समृद्धि और रोशनी का प्रतीक माने जाने वाला दीपावली के त्यौहार को देश के हर तरफ मनाया जा रहा है। लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों के घर जाकर दिवाली मना रहे हैं। ऐसे में मुंबई में गुरु राधेमा ने प्यार की दिवाली जरूरतमंद लोगों के साथ मनाई। गुरु राधेमा ने दीपावली के अवसर पर लोगों को मिठाइयाँ और फल वितरण किए, जिससे लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला। मीडिया से बातचीत के दौरान गुरु राधेमा का कहना था कि सभी के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आज त्यौहार के दिन ही लोगों के बीच जा रही हूँ, मैं हमेशा से सभी के बीच जाती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर गुरु राधेमा ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। मैं जाती हूँ और दिवाली में मेरा खास पर्पस था जाने का, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो हम पटाखों पर खर्चा करते हैं, जो हम इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो क्यों ना हम ज़रूरतमंदों की थोड़ी बहुत सेवा करें। क्योंकि मैंने गुरबाणी पढ़ी है, सिर्फ पढ़ी नहीं उस पर अमल करना चाहती हूँ। स्टिल आई एम लर्नर। तो मैं चाहती हूँ, गुरु नानक साहब ने कहा है, काल खाए कुछ हाथों दे नानक रा पिछाने सोए। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी ज़रूरतमंदों की सेवा की जाए। तो आज दिवाली पे भी मैं गई और हमेशा जाती रहती हूँ सेवा में। सेवा में मैं ज़्यादा भी लगता है बहुत, बस वही खुशी मैं देखना चाहती हूँ। देवी माँ को हमेशा हमने लाल जोड़े में देखा, लेकिन आज दिवाली का खास मौका है और देवी माँ भी आज ग्रीन सी हरियाली सी नज़र आ रही, क्या उसकी कोई वजह? क्योंकि आज दीपावली है और आज के दिन भगवान रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास कट के अयोध्या वापस आए थे और बुराई की अच्छाई पे जीत थी, और इसलिए मैंने भी मनाई कलरफुल दिवाली। ये बात की है आपने, राम मंदिर को लेकर बहुत वो है, आप राम मंदिर जाना चाहेंगी दीदी माँ? नहीं देखो, मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती, तो राम तो हमारे मन में ही है। राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। राम मंदिर में राम नहीं है, राम तो घट घट में है। तो इसीलिए मैं, जहाँ मंदिर में भगवान के बुलावे के बिना तो कोई नहीं जा सकता, बाकी राम तो घट घट में है, तो इसीलिए मैं कंट्रोवर्सी नहीं मैं नहीं पड़ती। जहाँ से भगवान का बुलावा आता वहाँ मैं ज़रूर जाती हूँ। यहाँ पर भक्तों का बुलावा आता मैं ज़रूर जाती हूँ, भक्त भी सब राम के रूप ही हैं। इस तरह से प्यार वाली दिवाली की लेकर देवी माँ काफ़ी लोगों के बीच में बनी हुई है, इस प्यार वाली दिवाली को किस तरह से सेलिब्रेट किया था आपने? जैसे मोदी जी ने ये क्वेश्चन प्रस्ताव रखा ना पब्लिक के सामने कि पटाखे ज़्यादा ना चलाइए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे मुझे बड़ी, बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई है। जब हम ये पटाखे बहुत ज़्यादा चलाते हैं, कई जानवर मर जाते हैं, कई कुछ लोगों को नुकसान होता है, तो इसलिए गौ सेवा में विश्वास रखती हूँ। मैं कहती हूँ हम दूसरों को ऑर्डर तब करें, पहले हम खुद करें वो काम। तो मैं दूसरों को ऑर्डर कम करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरे से हो सके वो करें, मैं करूँ। तो मैं दूसरों को ऑर्डर नहीं करना चाहती, मैं खुद करना चाहती हूँ। हम खुद कुछ करें ना और दूसरों को ऑर्डर करते रहें, ये गलत है। जब हम करने लग जाएंगे तो देखो देखो लोग हमें, अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो देखे देखे हमारी प्रेरणा से लोग अपने आप करने लग जाएंगे। तो हम क्यों ऑर्डर करें? हम करेंगे तो लोग अपने आप करेंगे हमें देख देख के। हमें तो दुनिया में प्रेरक बनना है, हमारे से प्रेरणा मिलेगी लोगों को। तो ऑर्डर मैं नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ सब खुश रहें, पहले अपने परिवार को खुश रखें, फिर संसार को खुश रखें, समाज को, और सेवा करें तो सच्चे मन से। सच्चे मन से करेंगे तो जीत जाएंगे, ड्रामेबाजी करेंगे तो फिर नहीं जीतेंगे। मतलब सच्चाई हो, सेवा में सच्चाई होनी चाहिए, दिखावा होगा तो हम नहीं जीतेंगे, कभी ना कभी हम हार जाएंगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली, हैप्पी 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 दिवाली, जय माता दी, जय श्री राम, जय राधा देवी माँ, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
हमें बहुत अच्छा लगा, दादी माँ बहुत सुंदर दिखती है। हमें इतना जूस का बड़ा बड़ा डब्बा दिया और हमें बहुत सबको खुश, सबको खुश कर दिया। और हमारे मन में हम ऐसे दिवाली में कहते हैं उनको बहुत बहुत दिवाली की शुभेच्छा। मैडम बहुत अच्छी है, हम गरीब लोगों को खाना देती है, खाने के लिए पानी पीता, ये जूस दिया, जूस अभी नहीं, ये गरीब लोगों को खाना दिया, वो शरबत दिया पीने के लिए, बहुत अच्छी। कौन आई थी आपको पता है कौन था वो? कौन, ये कौन था जो आपसे भी मिल गई? ये तो राधे माँ। क्या के राधे? नहीं हाँ, राधे माँ को तो हम पहले से जानते हैं, सोडा वाले लेने ना उधर ही रहते, वो उधर ही पहले आते, ऐसा पहले आए थे लेकिन दो बार आके गए, उधर पहला पैसा वो सब बांटते थे, एक एक जन को पहला पैसा बांटा था लोग ने, और गए साल में तो अच्छा लगा। तो वो जानते कौन है वो? राधे माँ है। आप कैसे जानते राधे माँ को? राधे माँ को हम लोग उधर जाते है, गरीब लोगों को दान करते है, इसकी वजह से राधे माँ इधर सब गरीब लोगों को बांटने के लिए, गरीब लोगों को देखने को, गरीब लोगों को बांटने को, गरीब को अच्छा देखने के लिए आए। ऐसे और कोई भी आता है? नहीं, बाकी कोई आते नहीं, राधे माँ आते हैं, उनको देखते हैं, गरीब लोगों को बांट के जाते हैं।